सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। तो ये जिके असान के चॉइस जिका वो हिता ही मिलियो, असान के चंगाई प्रोफाइल्स मोकलियो जिमा असान चॉइस करी सकियासी और थोड़ी समय में असाई बेबी जी माना मंगई थी तो वो रिश्तो.com जी कर ही थियो न त असान इतरो जल्दी न करे सके। रिश्तो.com सिंधियों जो सिंधियों सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर में एक मिठाई की दुकान में कारागीर का समोसा और कचौड़ी बनाने के लिए पैरों से आटा गूंथते हुए एक वीडियो सामने आया है, जो वहां के एक स्थानिक ने इसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। और यह वीडियो वायरल होते ही स्थानिकों ने मिठाई दुकान पर पहुंचकर इस तरह से बनाए जा रहे सामान को लेकर जमकर विरोध किया है। उल्लासनगर कैंप 4 के आशेड़ापाड़ा परिसर में हरिओम स्वीट नाम की यह दुकान पिछले 15 से 20 वर्षों से यहाँ चल रही है। इस मिठाई की दुकान में समोसे और कचौरी के लिए आटे को कारागीर पैरों से गूंथते हुए इसका वीडियो किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। यह वीडियो सामने आते ही आक्रोशित स्थानिकों ने मिठाई दुकान पर धावा बोल दिया और दुकान के मालिक से इस बारे में जवाब तलब किया। दरमियान स्थानिकों ने दुकान मालिक को यह भी बोला कि अब से वह दुकान में कोई भी सामान बनाकर नहीं बेचे, केवल पैकिंग फूड को ही बेचे। 15-20 वर्षापासून हे हरिओम स्वीट इथे किराणा आणि मिठाईचं दुकान आहे। अनेक ग्रामस्थ मंडळी परिसरातील लोक इथून मिठाई आणि वेगवेगळे खाद्यपदार्थ खरेदी करत आहेत। आणि आता केंद्र शासनाने एवढा कडक कायदा केल्यानंतर सुद्धा, FBI की अन्न सुरक्षेसाठी एवढा कायदा कडक केल्यानंतर सुद्धा आणि मशिनरी अवेलेबल असताना सुद्धा जर अशा घाणेरड्या पद्धतीने इथे किराणा आणि मिठाई बनवली जाते, हे नागरिकांच्या जीवाशी खेळ आहे। आणि आम्ही इथे ग्रामस्थ मंडळ आणि सर्व रहिवासी मिळून ही विनंती करतोय शासनाकडे, कडक कारवाई केली जावी। तसेच या दुकानात फक्त पॅक पदार्थ जे कंपनीकडून पॅक येतात तेच विकले जावे, अन्यथा हे दुकान बंद केलं जावं इथून, ही आमची सर्वांची मागणी आहे। इथे जे झालेले प्रकार असो हो नाही, याच्यात आजूबाजूचे परिसर लोक आहे हे गंध खाऊ शकत नाही। खूप प्रकार असा आहे, कोणाला विजा बाधा होऊ शकतो, पायाभी तोरण चांगली गोष्ट आहे नाही। आणि याच्यापुढे अशी गोष्ट होऊन इथे देणार नाही। गावकरी काली गोष्ट हे जे आजची जी घटना घडलेली आहे याच्या पहिले पण घडत असेल बराबर, पण ही होऊन दुकानाची जे काही फूड्स आहे ही आता फेकून तर दिलेली आहे, पण तरी पण त्याच्यावरती जे फूटवाले आहे ते जरा निरीक्षण करावा। वहीं दुकान मालिक ने अपनी गलती को स्वीकार किया और ऐसा दोबारा नहीं होगा। हालांकि स्थानिकों की मांग है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और उचित कार्यवाही करे। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। इधर घटना घटी है आज, इसके बारे में आपको क्या बोलने का, अभी बताओ। बोलने का वो हमारा गलती हुआ है, उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आप लोग से। लड़के ने गलती किया, वो हमारे मैं खुद स्वीकार करता है, दोबारा गलती नहीं करेगा। बोलोगे यहाँ पे ये चीज नहीं बनेगा, यहाँ पे ये चीज नहीं बनेगा, बस कौन सा भी इधर कौन सा भी किचन बंद कर दो, बाहर से जो लाना है वो सप्लाई करो, चावल डाल हो फिर से इधर भी किराना स्टोर चालू करो, चलेगा हमको कुछ। तुम्हारा पैकिंग का जो माल है, पैकिंग का माल इधर बनेगा, माल कुछ नहीं, इधर किचन नहीं मांगता अभी, इधर किचन नहीं मांगता, बिल्कुल नहीं मांगता, क्योंकि वो जो वीडियो देखा है आप सब लोग। उसके बाद अगर किचन फिर से चालू देखा
तो फूड डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे, बाकी आपकी जिम्मेदारी। गांव वाले इतना आप लोग संभालो, इधर संभालो, इसलिए वो गांव वाला संभाल, हमको वही खिलाया आपने ना, भगवान को भी प्रेशर यही चढ़ा रहे ना, तुम्हारे भरोसे लड़के ने जाते हैं, तुम लोग को मालूम है लड़का क्या बना रहा है, ऐसा तो नहीं बाबा 10 किलोमीटर लंबा जाने का किचन है तुम्हारा, मेरे तो बीच में दरवाजा है, सामने दरवाजा है, दुकान से दरवाजा है, अरे आपके भरोसे भी आज बोलो लेके जाते हैं, शाम को फिर से गाँव वाले आएंगे इधर, पहले बोल रहे हैं फिर से दुकान में जो बनेला सामान दिखेगा तो हमको मत बोलो, या शेफ बोला हमें बोल रहा था, तुम्हें बघा उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।